हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सेक्शन बी जो सीएसआर नेट का एग्ज़ाम हुआ है कल, वो पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस इज नॉट डाइगोनलाइजेबल। तो कौन सा मैट्रिक्स इसमें डाइगोनलाइजेबल नहीं होगा उस पर हमें बात करनी है। तो देखिए, आपको रिजल्ट याद होगा, डाइगोनलाइजेबल मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होती है नंबर वन जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज दें। ठीक है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज अगर आती हैं तो वो क्या होती हैं, डाइगोनलाइजेबल होती हैं। सेकंड, अगर जितनी आइगन वैल्यूज आई है उनके एएम और उनके करस्पॉन्डिंग जीएम आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो बात करते हैं पहले ऑप्शंस की। ठीक है, पहले ऑप्शंस पे आ जाओ तो क्लियरली दिख रहा है आपको इनमें से बोलना है कि कौन सा आपका डायग्नोजेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो आपका पहला मैट्रिक्स दे रखा है वो आपका क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जो डायगोनल में एंट्रीज होती हैं वही उसके क्या होती है, आइगन वैल्यूज। तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या आ गई, इसकी आइगन वैल्यूज आ गई हमारे पास 2, 3 और 2। तो डिस्टिंक्ट नहीं है, रिपीट कर रहा है। और जब रिपीट कर रहा है, अगर आप बात करें एएम और जीएम की, तो देखिए अगर मैं जो एएम निकालना चाहूँ, एएम यानी कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 की, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यानी 2 है एएम। और हमें निकालना है जीएम, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 की, तो वो क्या होता है, उसका वो होता है फॉर्मूला एन माइनस रैंक ऑफ, ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई। और लैम्डा किसके लिए बात करनी है, 2 के लिए। अगर आप डायगोनल में से 2 माइनस कर देंगे तो देखिए आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी ए वो क्या होगी, वो होगी 0, 0, 1, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 0 ये आएगी। और अगर मैं 2 × 2 का माइनस सेलेक्ट करूँ तो 0 × 0 − 1, यानी कि इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और एन हमारे किस ऑर्डर का था, 3 × 3, यानी कि 3 − 2 करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 1, जो कि ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये इस बात से भी हम बोल सकते हैं कि ये डायग्नोजेबल नहीं है। इसी लॉजिक पर अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो ये डायग्नोजेबल आ जाएगा, ये भी डायग्नोजेबल हो जाएगा और ये भी डायग्नोजेबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो ऑप्शन 1 है वो हमारा क्या चला जाएगा, 2।